नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल FS ज्ञान में। दोस्तों, आज हम CG पोर्टल के माध्यम से शिक्षा पोर्टल पर कार्य कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, CG पोर्टल के माध्यम से ही हम शिक्षा पोर्टल पर कार्य कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि CG स्कूल पोर्टल का ही ID और पासवर्ड के माध्यम से हम शिक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं, लेकिन यदि हम CG स्कूल पोर्टल के साइट से ही सीधा शिक्षा पोर्टल में चले जाएं तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप डायरेक्ट CG स्कूल पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षा पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार क्रोम ब्राउजर को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल CG स्कूल पोर्टल को ही ओपन करना है और उसी के माध्यम से आप शिक्षा पोर्टल पर सारे कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, जो आपको मैं बताऊंगा उसके आधार पर ही आपको कार्य करना है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के वीडियो को मैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही बनाता हूं, तो इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारी प्रक्रिया जो है समझ आ सके। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आपको एक बार ही क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा cgschool.in। जी हाँ, cgschool.in लिखने के बाद सर्च करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आता है। उसके बाद जब भी ये वाला इंटरफेस आ जाए, अब आपको पता है कि हमें साल भर CG स्कूल पोर्टल पर कार्य करना है और उसी प्रकार हमको शिक्षा पोर्टल पर भी कार्य करना है, तो इस वाले इंटरफेस को हमें एक शॉर्टकट कीवर्ड के रूप में यूज़ करना है। मतलब हमें इसे एक एप्लीकेशन के रूप में यदि यूज़ करना है ताकि हमें इसको ओपन करने में कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए हमें इसको एक शॉर्टकट के रूप में बनाना है। तो वो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आप CG स्कूल पोर्टल को जैसे ही ओपन करेंगे, ऊपर में देखिए आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, इस 3 बिंदु को क्लिक कर लीजिएगा। 3 बिंदु को क्लिक करने के बाद नीचे में देखिएगा एड टू होम स्क्रीन, इसको आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखिए एड टू होम स्क्रीन लिखा है और यहां पर लिखा है CG स्कूल, और नीचे में देखिए नीले कलर में लिखा है एड। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके मोबाइल में एक शॉर्टकट के रूप में उपस्थित रहेगा। जैसे मैं आपको यहां पर मोबाइल से ओपन करके दिखा रहा हूं, ये देखिए मैं बाहर आ गया हूं। अब ये देखिए ये लिखा है, यहां पर मैं घेरा कर देता हूं, CG स्कूल। अब इसको आप अपने अनुसार सुरक्षित करके रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिएगा। ये आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद है, हालांकि ये क्रोम ब्राउजर ही है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट उस साइट पर ले जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो डायरेक्ट इस इंटरफेस पर मुझे ले आएगा। तो इससे हम बहुत ही आसानी से रोज रोज CG स्कूल पोर्टल को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। आइए अब मैं आपको ये बताता हूं कि CG स्कूल पोर्टल के माध्यम से ही हम शिक्षा पोर्टल को कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ही सभी कार्य किए जाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CG स्कूल पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ID पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको CG स्कूल पोर्टल वाला ही ID और पासवर्ड का उपयोग करना है। तो आइए मैं यहाँ पर CG स्कूल पोर्टल का ID और पासवर्ड डाल के पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम शिक्षा पोर्टल पर कार्य कैसे करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कक्षा पहली, कक्षा छठवीं, कक्षा नौवीं और कक्षा ग्यारहवीं का एंट्री हम कैसे करें। तो इसके लिए आप पहले लॉगिन कर लीजिए। आइए यहां पर मैं आपको लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो ये देखिए मैंने अपने शिक्षक ID से लॉगिन कर लिया है। चूंकि मैं एक संकुल समन्वयक हूँ तो मेरे में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लाते रहता हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पर मुझे शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है, तो शिक्षक के कार्य को क्लिक करेंगे। जैसे ही शिक्षक के कार्य को हम क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए लाल कलर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर में लिखा है पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, दूसरा लिखा है शिक्षक संबंधी जानकारी, और तीसरा यहाँ पर देखिए इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है न्यू स्टूडेंट एंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टूडेंट एंट्री लिखा है वह शिक्षा पोर्टल द्वारा जारी स्टूडेंट एंट्री का ही इंटरफेस आपको मिलेगा। मतलब ये आपको डायरेक्ट शिक्षा पोर्टल पर ले जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए
तो ये मुझे डायरेक्टर शिक्षा पोर्टल के साइट पर ले आया। मतलब आप सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से ही डायरेक्टर शिक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम है, लॉगिन है, रिपोर्ट है और हेल्प वीडियो है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, रिपोर्ट के माध्यम से आप बिना लॉगिन किए बहुत सारी जानकारी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिए। या फिर यहाँ पर जिस भी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ना, वो वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार की लॉगिन आईडी मतलब आईडी पासवर्ड द्वारा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सीजी स्कूल पोर्टल में लॉगिन तो कर लिया है, उसी के माध्यम से शिक्षा पोर्टल में लॉगिन करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी पासवर्ड आपको मंगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको शिक्षा पोर्टल का आईडी पासवर्ड क्या यूज करना है, तो इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है कि आपको यहाँ पर सीजी स्कूल पोर्टल वाला ही आईडी पासवर्ड यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड बदले लिखा है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यूजर आईडी के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपना सीजी स्कूल वाला आईडी पासवर्ड ही डालना है। तो सिंपल सा, आप सभी जानते हैं कि आपने अपने मोबाइल नंबर को ही अपना आईडी बनाया है और पासवर्ड के रूप में आपने कोई भी संख्या बनाया होगा, उसको आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। आइए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको तीन लाइन दिखाई देता है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें देखिए होम, विद्यार्थी एंट्री करें, विद्यार्थी अपडेट करें, विद्यार्थी सूची देखें और नीचे लिखा है पासवर्ड बदलें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यार्थी एंट्री को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक कट का निशान दिखाई दे रहा है, इसको आपको कट करके गायब कर देना है। अब ये आपका इंटरफेस दिखाई देने लग गया है। तो दोस्तों आपने सभी कक्षा का नाम तो दर्ज कर लिया है, बच्चों का नाम दर्ज कर लिया है सभी कक्षा, उसके बाद आपने सुरक्षित भी कर दिया है। लेकिन यदि आपने अभी तक कक्षा पहली के बच्चों का नाम दर्ज नहीं किया है तो आपको आंगनबाड़ी से प्राप्त सूची के आधार पर कक्षा पहली में बच्चों का नाम दर्ज करना है। उसी प्रकार कक्षा छठवीं में नाम दर्ज करने के लिए आपको निकटतम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की सूची लेना है और उसके नाम को कक्षा छठवीं में दर्ज करना है। उसी प्रकार कक्षा नौवीं के लिए निकटतम कक्षा आठवीं मतलब निकटतम माध्यमिक विद्यालय के बच्चों से सूची लेना है और उसका नाम आपको एंट्री करना है। और उसी प्रकार आपको कक्षा ग्यारहवीं में भी बच्चों का नाम एंट्री करना है। बाद में सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षा पोर्टल को भी ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। निश्चित रूप से यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे सीजी स्कूल पोर्टल से संबंधित वीडियो के लिंक भी मिलेंगे और सिस्को वेबएक्स से संबंधित भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मिलेंगे, जिससे हम यह जान पाएंगे कि सिस्को वेबएक्स में अकाउंट कैसे बनाएं और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को कैसे रिसेट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों तक, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके शिक्षक साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।